नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गिलोय। और आप लोग इसके बारे में आजकल काफ़ी सुन रहे होंगे कि इसकी गोलियाँ खानी चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है बूस्ट हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इसमें जिसको खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो सकती है, बूस्ट हो सकती है? तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये बहुत ही प्राचीन एक औषधि है जिसको पुराने समय में वैद्य होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे अपनी प्रजा के लिए, अपने राजा के लिए। और ये धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो गया। जैसा कि ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ें जो होती हैं नए लोग उसको याद नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, पुराने समय में सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम में जो अमृत निकला था, तो वो अमृत जिस जिस चीज़ पर भी पड़ा था उसमें अमृत का निवास हो गया था। तो गिलोय के पत्तों में भी उस अमृत का निवास है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ये मिलता कहाँ है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की झाड़ियों में, छोटे मोटे जंगलों में, आपके घर के ही आसपास आम के पेड़ के साथ लताओं में, नीम के जो पेड़ होते हैं उसके पास लताओं में ये पाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसको ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों, ये आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा। और अगर आपके घर के आसपास नहीं मिलता है तो आप टेंशन ना लें, आपको ये ऑनलाइन अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं सावधानी से। और इसको अपने घर में ही, अपने बागीचे में, अपने छत पे, अपने कहीं पर भी घर में जहाँ आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप लोग इसको लगा सकते हैं और इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें इतने ज़्यादा गुण है कि अगर आप डेली इसका एक गिलास जूस पीते हैं तो आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं किन किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा, किसी टाइप की भी बुखार हो, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, टाइफॉइड हो, निमोनिया हो, किसी भी तरह की बुखार में अगर आप इसका जूस पीते हैं तो वो बुखार आपका उतर जाएगा। दोस्तों, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, कफ, सीने में दर्द, किसी भी तरह की बीमारी से ये आपको मुक्ति दिलाता है। बस आपको इसका डेली एक गिलास जूस पीना है। इसके साथ ही किडनी, लीवर, पेट में दर्द, पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, खाना ना पचना, साथ ही अगर आपके पैर हाथों में जलन होती है तो इससे भी आपको मुक्ति दिलाता है। अगर किसी को पीलिया है, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं, तो इस उनके लिए ये काफ़ी लाभकारी होता है। इसका जूस पीने से ही वो पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियां जिनको मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि उन रोगों के लिए सबसे ज़्यादा में आता है एनीमिया। एनीमिया एक खून की बीमारी होती है जो आजकल हम लोग हर 50 लोगों में से एक लोगों को सुन ही लेते हैं कि उसको खून की कमी है, उसके शरीर में खून कम है। तो जिनको भी खून की कमी है, एनीमिया है, वो लोग इसका जूस पी सकते हैं। इसके जूस पीने से धीरे धीरे आपकी जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और आपके शरीर में खून बनना। जॉन्डिस है, अगर वो इसका एक गिलास जूस पीते हैं तो वो जॉन्डिस काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है और इन फ्यूचर आपको जॉन्डिस होने का खतरा भी नहीं रहता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनके पैर हाथ में बहुत जलन होता है जिससे वो सो नहीं पाते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जिनको भी पैरों हाथों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है वो इसका पेस्ट बनाकर अपने पैर और हाथों के तलवे में लगाएं तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएगी। अगर कभी किसी कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दोस्तों, तो उस टाइम अगर आप इसका जूस बनाकर कान में कुछ ड्रॉप डालते हैं तो आपकी कान की दर्द तुरंत ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको खाना नहीं पचता है और टाइम से स्टूल भी पास नहीं होता है। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, इसका जूस वो लोग पिए, इससे उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्किन की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि खुजली हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसका पेस्ट बनाकर अगर उस जगह पे इसको पर्टिकुलर लगाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसमें शुगर की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और आधे से ज़्यादा लोगों को शुगर की समस्या रहती ही है। और ये एक हार्मोन की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर शुगर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको भी शुगर है, जिसको हम लोग मधुमेह भी कहते हैं हिंदी में, तो इनका जूस अगर वो लोग पीते हैं तो उनकी शुगर जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहती है और इन फ्यूचर शुगर ठीक होने के चांसेस भी रहते हैं। गिलोय के कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बताए, बाकी आपको करना है, आप इसका पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं और ख़ुद भी पिएं, अपने परिवार को ही पिलाएं। जो घर की हाउसवाइफ होती है, गृहिणी होती है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप इसका जूस बनाकर अपने घर में अपने भी पिए और अपने फैमिली को ही पिलाएं। और अगर आपको इसका पौधा कहीं से नहीं मिलता है तो आप लोग ऑनलाइन अमेजोन से ज़रूर ऑर्डर करें। दोस्तों, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का मेंबर बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।